प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिलाओं का एक बहुत कॉमन सवाल होता है, मैम मेरे बच्चे में मूवमेंट्स आना कब शुरू होंगे, कब मुझे ये मूवमेंट्स फील होना शुरू होंगे, कब मेरा बच्चा किक मारना शुरू करेगा, मुझे तो मूवमेंट्स फील ही नहीं होते हैं। मैं डॉक्टर हिना खान गायनोकोलॉजिस्ट, आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे, प्रेगनेंसी के दौरान मूवमेंट्स कब आना शुरू होते हैं, कब आपको फील होते हैं, यदि मूवमेंट्स नहीं आते हैं तब आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिलाएं बहुत एक्साइटेड होती हैं ये बात लेकर कि मेरा बच्चे किक कब मारेगा, मूवमेंट्स कब आएंगे, मुझे मूवमेंट्स फील होते हैं कि नहीं होते हैं। तो प्रेगनेंसी के दौरान यदि आपकी पहली प्रेगनेंसी या पहली बार प्रेग्नेंट हुई हैं तब आपको ये मूवमेंट्स थोड़ा सा लेट फील होते हैं। जिन महिलाओं की दूसरी या तीसरी प्रेगनेंसी है उनको थोड़ा जल्दी फील होना शुरू हो जाते हैं। जैसे आपको छठे महीने में जाकर, जैसे ही आपका छठा महीना शुरू होगा तब आपको ये मूवमेंट्स फील होने शुरू हो जाते हैं। कुछ महिलाएं चौथे पाँचवें महीने में बोलती हैं मुझे तो बिल्कुल मूवमेंट्स फील नहीं हो रहे हैं, बार बार अल्ट्रासाउंड कराती हैं मेरा बच्चा ठीक है कि नहीं है। तो प्रेगनेंसी के दौरान यदि आप पहली बार प्रेग्नेंट हुई हैं तो छठे महीने में जाकर के आपको ये मूवमेंट्स फील होना शुरू हो जाते हैं। यदि छठे महीने के बाद ये मूवमेंट्स फील नहीं होते हैं तब आपको स्ट्रिक्टली डॉक्टर को दिखाना चाहिए, इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। यदि आप दूसरी या तीसरी बार प्रेग्नेंट हुई हैं तब आपको ये चौथे महीने में फील होना शुरू हो जाते हैं। बच्चे के मूवमेंट्स ऐसे नहीं होता कि बच्चा बहुत ज़्यादा उल्टा पलटा हो जाता है पेट के अंदर, इट्स लाइक मूवमेंट ऐसे फील होना शुरू हो जाते हैं। तो आपको चौथे महीने में मूवमेंट्स आना शुरू हो जाते हैं। यदि आपका बच्चा मूव नहीं कर रहा है तब आपको क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे प्राइमरी बात है आप अपने डे टू डे रूटीन में से 2 घंटे निकालें, लेटें और अपने बच्चे के मूवमेंट्स फील करना शुरू करें, पेट भर खाना खाएं और फिर अपने बच्चे के मूवमेंट्स फील करना शुरू करें, सुबह और शाम 2-2 घंटा आपको आपके बच्चे के मूवमेंट्स फील होना शुरू हो जाएंगे। यदि आपको आपके बच्चे के मूवमेंट्स बिल्कुल फील नहीं होते हैं, देखिए बच्चे का भी एक रूटीन है पेट के अंदर, वो सोता है, जागता है, खेलता है, तो उसका कंप्लीट रूटीन है। यदि आपको 3 घंटे के में मूवमेंट्स फील नहीं हो रहे हैं तब आप आराम से लेटें, ठंडा पानी पिएं या कुछ मीठा खाएं और लेफ्ट साइड लेटें, आपको बच्चे के मूवमेंट्स फील होना शुरू हो जाएंगे। यदि 3 घंटे से ज़्यादा का टाइम हो गया है अब आपको आपके बच्चे के मूवमेंट्स फील नहीं हो रहे हैं तब आपको एक अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए, डॉक्टर को मिलना चाहिए और बताना चाहिए कि मेरे बच्चे के मूवमेंट मुझे 4 घंटे से फील नहीं हो रहे हैं। आपको इस चीज़ को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, इन्फॉर्मेटिव है तो और लोगों से शेयर करिएगा। थैंक यू।